ओके स्टूडेंट्स, तो कल हम लोगों ने वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में स्टडी कर लिया था। उसका पहला केस वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग के अंदर अगर हमने एक लोड को लगा दिया, एक वेट लगाया, तो हमने कंडीशन कंसिडर किया था कि टॉप मोस्ट पोजिशन पर जब वो जाएगा तो वहाँ पर उसका टेंशन ज़ीरो हो जाने पर भी उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहनी चाहिए, तभी जाके वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर सकता है। पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि यहाँ से जो भी हम वेलोसिटीज़ को देते हैं, पहली तो वेलोसिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो धीरे 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 करके जब यहाँ पहुँच जाए तो टेंशन की वैल्यू ज़ीरो भी हो जाए तो भी उसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी होनी चाहिए जिससे वो आगे मूव हो सके, तभी जाके कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन वो कर सकता है। इसमें एक चीज़ और भी थी पिछले वाले केस में कि हमने एक स्ट्रिंग कंसिडर किया था और स्ट्रिंग में होता ये है कि स्ट्रिंग के अंदर टेंशन ज़ीरो हो सकता है। उसके होने की वजह ये है कि अगर स्ट्रिंग जो है वो अगर टेंशन ज़ीरो कर देगा तो उसके अंदर स्लैकिंग आ जाएगी, इसका मतलब झोल आ जाएगा। आई बात समझ में? अब एक दूसरा केस कंसिडर करते हैं जिसके अंदर हम मास टाइड टू द रॉड ले लेते हैं, मतलब स्ट्रिंग की जगह अब रॉड आ जाएगा। अब हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि रॉड तो बिल्कुल रिजिड है, तो अगर रॉड रिजिड है तो रिजिड रॉड के अंदर तो कहीं टेंशन ज़ीरो होने का सवाल ही नहीं उठता। दूसरी बात जो ध्यान में हमें रखना है कि जब हम रॉड को कंसिडर करते हैं तो रॉड के अंदर ये पॉसिबल है कि जब यहाँ से हमने उसको रिलीज़ किया तो रिलीज़ करके जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर आया तो भी अगर उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई तो वो आगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा। मैं रिपीट कर दूँ, पिछले वाले केस में जब हमने इसको स्ट्रिंग कंसिडर किया था, स्ट्रिंग कंसिडर करते वक्त हमने कहा था कि यहाँ पर आते वक्त उसका टेंशन ज़ीरो हो जाएगा और उसके साथ साथ ही यहाँ पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी तभी जाके वो आगे सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा। अगर यहाँ आने के बाद उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई तो वो कंप्लीट सर्कुलर मोशन नहीं करेगा बल्कि नीचे आ जाएगा। बट रॉड के केस में दो बातें सबसे अहम है। पहली बात तो ये कि रॉड में कहीं भी टेंशन नहीं आता क्योंकि वो एक रिजिड मटीरियल है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने उसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन में इस पॉइंट तक पहुँचा भी दिया तो पहुंचाने के बाद अगर उसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पर ज़ीरो भी हो जाती है तो भी वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर सकता है। तो हम यहाँ पर, क्योंकि टेक्स्ट बुक के अंदर इसका कोई डेरिवेशन नहीं है बल्कि हमें खुद इसको डिराइव करना पड़ेगा, हम वो सिचुएशन अप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे ध्यान से देखिए, ये है हमारे पास एक रॉड, यहाँ पर हमने उसके साथ एक मास को टाइड अप करके रखा है। हम ये कह रहे हैं कि जब इसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराएंगे तो इस पॉइंट पर आते आते उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी तो भी वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। तो हमारी कंडीशन ये है कि इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, ज़ीरो है। अब अगर इसको हम कहें कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से इसको सॉल्व करना हो, क्योंकि ये टोटल ग्रेविटी इस पूरे मोशन को कंट्रोल कर रही है और ग्रेविटी अगर कंट्रोल कर रही है इसका मतलब एक कंजर्वेटिव फोर्स उस पर लग रहा है और कंजर्वेटिव फोर्स पर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर दो पॉइंट्स ले लिए, लोअर मोस्ट पॉइंट्स की टोटल एनर्जी को हमने E1 लिया है और अपर मोस्ट पॉइंट की टोटल एनर्जी को E2। तो दोनों एनर्जी इक्वल रहेंगी, सो E1 विल बी इक्वल्स टू E2। अब ये टोटल एनर्जी दो फॉर्म में स्प्लिट कीजिए, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। यहाँ की काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी अपर मोस्ट पॉइंट की काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ MV स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी अगर इसे रेफरेंस ले लिया जाए तो ज़ीरो, कल भी किया था हमने, पिछले वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। फिर काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो है तो काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर होगी ज़ीरो, और पोटेंशियल एनर्जी होगी MGH, तो MGH में कितनी हाइट तक गया वो, ये आर यो ए आर, तो टोटल कितने हाइट तक उसने रीच किया है, 2R हाइट, ठीक है ना। यहाँ पर हम लिखेंगे MG × 2R। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हाफ MV² इज इक्वल्स टू 2 MgR, यहाँ से M और M कैंसिल हो जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, तो U² विल बी इक्वल्स टू 4RG, तो U विल बी इक्वल्स टू √4RG, U² विल बी इक्वल्स टू √4RG और 4 का रूट हो जाएगा आपका 2, सो इट विल बी U = 2√RG। ये है एक बेसिक डिफरेंस। यहाँ पर पिछली बार जब हमने एक स्ट्रिंग लिया था तो हमारा आंसर आया था √5RG, लेकिन जब हम एक रॉड लेंगे तो आएगा √4RG या फिर जिसे 2√RG कह सकते हैं। तो डिफरेंस याद रखिएगा, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अगर स्ट्रिंग दिया रहा तो यहाँ की मिनिमम वेलोसिटी होगी √5RG
और अगर रॉड दी रही तो यहाँ की होगी अंडर रूट ऑफ 4rg या फिर 2√rg। सेकेंड थिंग, यहाँ की वेलोसिटी तो हमको मालूम है, इसका मतलब यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी पता लगाने का कोई चांस ही नहीं। अगला कैसे है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन। हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर कितनी वेलोसिटी होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए भी वही चीज़ जैसे मैंने आपको बताया था, इस पॉइंट को हम E3 डिटरमाइन कर लेते हैं। तो यहाँ की एनर्जी और यहाँ की एनर्जी इक्वल होगी, सो E1 विल बी इक्वल टू E3। फिर इसको दो फॉर्म में स्प्लिट कीजिए, K1U1 इज इक्वल टू K3U3। यहाँ की काइनेटिक पोटेंशियल इक्वल टू यहाँ की काइनेटिक पोटेंशियल। फिर यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी जैसे यहाँ लिखा था सेम टू सेम, 1/2 mv² + 0। यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी के लिए सपोज करते हैं कि यहाँ की वेलोसिटी वी है, यहाँ वेलोसिटी वी है, तो इट विल बी 1/2 mv² + पोटेंशियल एनर्जी mgh। mgh में कितनी हाइट तक गया है यहाँ से यहाँ तक, सो दिस हाइट इज इक्वल टू द रेडियस, दैट इज r, इट विल बी mgr। नाउ u की वैल्यू प्रीवियस प्रॉब्लम में या डेरिवेशन में हम निकाल चुके हैं, दैट इज अंडर रूट ऑफ 4rg। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं u की वैल्यू है 4rg। अब ये अगर सब्सटीट्यूट किया, सब्सटीट्यूट करने पर m हर जगह से कैंसिल होगा, 2 1 2 2 4 से ये कैंसिल होकर यहाँ तक आ जाएंगे हम। सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास वैल्यू आएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2rg। तो ये वेलोसिटी होगी अंडर रूट ऑफ 2rg, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये बात ध्यान में रखना है कि अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन में पेंडुलम दे दिया जाए तो तीन केसेस ऐसे होंगे कि लोअर मोस्ट पॉइंट पर मिनिमम एनर्जी होगी, मिनिमम वेलोसिटी होगी अंडर रूट ऑफ 4rg, हॉरिजॉन्टल पर होगी अंडर रूट ऑफ 2rg, यहाँ पर तो जीरो हो जाएगी। और अगर हम स्ट्रिंग ले लेंगे तो यहाँ होगी अंडर रूट ऑफ 5rg, यहाँ होगी अंडर रूट ऑफ 3rg, यहाँ होगी अंडर रूट ऑफ rg। तो दिस वॉज द केस विच वॉज लेफ्ट यस्टरडे, या पिछले वीडियो के अंदर हमारा बाकी रह गया था, ये पार्ट हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। ये आपको लिखना रहेगा क्योंकि ये डेरिवेशन आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, वो स्टूडेंट्स को दिया है कि वो खुद उसको सॉल्व करें। ये हो गया एक पार्ट। अब उसके बाद एक और एक एप्लीकेशन को डिस्कस कर लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स। ओके, सो लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट एप्लीकेशन, व्हीकल एट द टॉप ऑफ द कॉनकेव ओवर ब्रिज। अब देखिए, उसको समझने से पहले ना एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास कार एक फ्लैट रोड के ऊपर रेस्ट पर खड़ी हुई है। अब अगर रेस्ट पर है तो इस पर दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। पहला तो नॉर्मल रिएक्शन जो कि वर्टिकली अपवर्ड होगा, परपेंडिकुलर। नेक्स्ट होगा उसका वेट mg। अब अगर ये रोड पर बिल्कुल खड़ी है, एट रेस्ट है, तो ऐसे टाइम पर n और mg एक दूसरे को बैलेंस करेगा, सो n विल बी इक्वल्स टू mg। अब अगर ये मूव भी होता है, अगर ये स्ट्रेट रोड पे मूव भी होता है, तो भी n और mg एक दूसरे को बैलेंस ही करने वाला है। तो दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट। अब दूसरी बात, अगर ये मैं लिखता हूँ कि n mg के बराबर है, सो mg इज़ द वेट ऑफ द बॉडी, इसका मतलब जो भी नॉर्मल रिएक्शन इस कार के ऊपर एक्ट हो रहा है, वट एवर इज द नॉर्मल रिएक्शन विच इज़ एक्टिंग ऑन द बॉडी, इज़ द वेट ऑफ दैट कार, है कि नहीं। वो कार का वेट हो के एन एम जी के बराबर है। अब ये सिचुएशन पर आ जाते हैं कि वो एक कर्व्ड रोड पर आ गई है, और वो कर्व्ड रोड कैसा है, तो वो एक कॉन्वेक्स रोड है। ओके, कॉन्वेक्स रोड इस तरीके से बन, जैसे वो स्पीड ब्रेकर होता है, तो स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी आ गई है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखें तो स्पीड ब्रेकर पर वो ट्रेवल कर रही है, तो कर्व्ड रोड है। अब एन और एम जी दोनों इस पर एक्ट होंगे, बट क्योंकि वो कर्व्ड रोड पर आ गया है, इस वजह से वो सर्कुलर मोशन करेगा। और सर्कुलर मोशन करने के लिए उसे किस फोर्स की ज़रूरत है, तो सेंट्रिपिटल फोर्स की ज़रूरत है। अब सेंट्रिपिटल फोर्स का रोल कौन प्ले करने वाला है, तो इन दोनों से जो नेट फोर्स निकलेगा, दैट विल प्ले द रोल ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स। तो अगर एम जी नीचे की तरफ है और एन ऊपर की तरफ है, सो नेट फोर्स विल बिकम mg - n, and that will be equals to mv² / r, if we say कि a इस पड़ी curved road का radius r है। यहाँ तो straight चल रहा था, तो यहाँ तो centripetal force होगा ही नहीं, लेकिन curved road पर आ जाएगा, मतलब circular motion करेगा, और circular motion के लिए centripetal force की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब ये value हो जाएगी, mg और n में अगर difference निकाला जाए, तो एक force नीचे एक force ऊपर है, तो net force हो जाएगा mg - n equals to mv² / r। Okay, now अगर n को एक साइड रखें और फिर बाकी mg - mv² / r इस एक्सप्रेशन को लिखें, तो बेटा आप इन दोनों एक्सप्रेशंस को ध्यान से देखिए। इसमें जब वो एक फ्लैट रोड पर चल रही है, तो n की वैल्यू mg के बराबर है।
जैसे ही वो एक कर्व्ड रोड पर आ जाती है तो एन की वैल्यू एम जी माइनस एम वी स्क्वायर के बराबर होगी। अगर ये वाला टर्म हटा दिया जाए, इसे हम यहाँ से कैंसिल कर दें एम वी स्क्वायर बाई आर को, सो एन इज इक्वल टू एम जी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एन इज लेस देन एम जी। इसका एक सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। सपोज मैंने ऐसा लिखा, सिक्स इज इक्वल टू सेवन माइनस वन, एक सिंपल मैथमेटिक्स है, सिक्स इज इक्वल टू सेवन माइनस वन। अगर मैं ये माइनस वन को यहाँ से ड्रॉप कर दूँ तो क्या मैं सिक्स इक्वल टू सेवन लिख सकता हूँ? तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सिक्स इज लेस देन सेवन। क्लियर? तो अब यहाँ पर यही चीज़ अगर हम यहाँ अप्लाई करें तो हम यहाँ लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर। अगर एम वी स्क्वायर बाय आर को ड्रॉप कर दें तो हम क्या लिख सकते हैं कि एन इज लेस देन एम जी। और एक इम्पॉर्टेंट सिचुएशन कि जब यहाँ पर फ्लैट रोड पर चल रहा था तो एन किसके बराबर था, एम जी के बराबर था, लेकिन जब कर्व्ड रोड पर चलेगा तो क्या एन और एम जी बराबर होगा? नहीं, बल्कि एम जी ज़्यादा हो जाएगा और एन कम हो जाएगा। अच्छा, एन जो है वो यहाँ पर क्या बता रहा था, वेट ऑफ द कार, तो यहाँ पर भी वेट ऑफ द कार बताएगा, बट यहाँ वाले वेट को हम कहेंगे एपरेंट वेट ऑफ द कार। आई बात समझ में? दैट इज कॉल्ड एज दी एपरेंट वेट ऑफ द कार, और एपरेंट वेट हमको हमेशा कम लगेगा बिकॉज एन इज लेस देन एम जी। तो कंक्लूजन ये आएगा कि एन हमें अगर वेट डिफाइन करता है तो फ्लैट रोड पर तो एन एम जी के बराबर है, लेकिन जैसे ही वो एक कर्व्ड रोड पर आ जाता है उसका वेट कम हो जाता है। तो बात क्या याद रखनी है कि किसी भी कॉन्वेक्स ब्रिज पर अगर कोई गाड़ी ट्रेवल करेगी तो उसका जो एपरेंट वेट है वो कम हो जाएगा। फ्लैट रोड पर एम जी के बराबर होगा, बट कर्व्ड रोड के ऊपर वो लेस देन एम जी हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज द एपरेंट वेट ऑफ द कार। और दूसरी चीज़ जो आपको समझनी वो ये, नॉर्मल रिएक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स इस बात को इंडिकेट करता है कि वो चीज़ उस पर्टिकुलर सरफेस से कॉन्टैक्ट में है, चिपकी हुई है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कॉन्टैक्ट को मेंटेन, जस्ट मेंटेन करने के लिए मिनिमम अगर हम कहें, और हम ये कहें कि क्या होगा अगर हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स ज़ीरो हो जाए। कॉन्टैक्ट फोर्स ज़ीरो होने का मतलब क्या, कि रोड और कार के बीच का कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया है। अगर हम ये सिचुएशन एनालाइज करें तो एन को जीरो ले लेते हैं, और जीरो लेने पर यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूट करें सो विल गेट एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू एम जी, बिकॉज हमारा एन का वैल्यू यहाँ जीरो हो चुका है। सो वी की वैल्यू कितनी मिलेगी, अंडर रूट ऑफ आर जी। ये वो स्पीड होगी जिस स्पीड पर हम ये कहेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये कि इस स्पीड से ज़्यादा की स्पीड अगर आपकी रोड पर हुई, इस स्पीड से ये मैक्सिमम स्पीड होगी क्योंकि इसके बाद नॉर्मल रिएक्शन ज़ीरो हो जाएगा। इस स्पीड से ज़्यादा स्पीड अगर आपकी इस रोड के ऊपर हुई तो फिर रोड जो है उसका कॉन्टैक्ट कार से छूट जाएगा। तो आपने देखा होगा अक्सर जब स्पीड ब्रेकर्स आते हैं तो स्पीड ब्रेकर्स पर आते वक्त ऐसा नहीं होता कि जैसे स्पीड ब्रेकर आए तो हम हमारी स्पीड बढ़ा देते हैं, ना ही उसका स्पीड ब्रेकर है। इसका मतलब वहाँ जाने के बाद आपको अपनी स्पीड को कम करना होगा, और ऐसा अगर आपने नहीं किया तो फिर नॉर्मल रिएक्शन या फिर कॉन्टैक्ट छूट जाएगा और गाड़ी हवा में आ जाएगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि जो मिनिमम वैल्यू उस पर, मैक्सिमम वैल्यू जो उस रोड पर हो सकती है कार की, क्या स्पीड हो सकती है ऐसे रोड पर, तो वो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ आर जी। एक चीज़ और है जो इसके साथ साथ कंटिन्यूएशन में पढ़ लेते हैं, हालांकि हमारे टेक्स्ट में दिया नहीं है। अगर ब्रिज कॉन्केव हो जाए, अगर ऐसा हो, सारी चीज़ें सेम होंगी, नॉर्मल रिएक्शन होगा, एम जी होगा, बट अब जो है सेंट्रिपिटल फोर्स अगर उस पर लग रहा है तो अब जो नेट फोर्स होगा वो n माइनस एम जी होगा। बस पिछले केस के अंदर एम जी माइनस एन था, बट इस केस के अंदर n माइनस एम जी होगा, एन माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। और फिर अगर माइनस एम जी को इधर ले जाए तो n इज इक्वल टू एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन देखिए, यहाँ n एम जी के बराबर है, इस केस के अंदर n जो है वो एम जी प्लस एम वी स्क्वायर आर के बराबर है। मतलब ये बात क्लियर है कि एम जी प्लस समथिंग है, तो क्या हम ये कह सकते हैं n की वैल्यू एम से ज़्यादा होगी? एन की वैल्यू किससे ज़्यादा होगी? एम जी से ज़्यादा होगी। ये बात क्लियर समझ में आ रही है कि अगर मैं इसको, जैसे मैंने पिछली बार माइनस करके आपको बताया था, वैसी भी सिचुएशन आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। इफ़ आई से दैट फाइव इज इक्वल्स टू फोर प्लस वन, अगर मैं प्लस वन को ड्रॉप कर दूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ फाइव इज इक्वल्स टू फोर, बल्कि क्या लिखूंगा, फाइव इज ग्रेटर देन फोर। सो इसी तरीके से अगर ये सिचुएशन यहाँ अप्लाई की जाए, एन वी से दैट एन इज इक्वल्स टू एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर,
अगर एम वी स्क्वायर बाय आर को ड्रॉप कर दें तो एन विल बी ग्रेटर देन एम जी। एन क्या बता रहा था? अपेरेंट वेट ऑफ द कार। इसका मतलब कॉनकेव ब्रिज के ऊपर अपेरेंट वेट की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो जब गाड़ी इस रोड पर चलेगी तो उसका अपेरेंट वेट ज़्यादा होगा और रोड को बहुत ज़्यादा मजबूती से टच करके चलेगी। ओके, और यहाँ पर क्या होगा, गाड़ी कॉन्टैक्ट लीव कर सकती है अगर नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाए तो। एक मिनिमम स्पीड मेंटेन करने की हमें ज़रूरत पड़ती है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो पार्ट है हमारा, कल मैंने आपसे कहा था कि वो चीज़ लास्ट लेक्चर में बताया था कि वो पार्ट कंप्लीट हो गया है, बट दो नए सेक्शंस भी अब इसमें इंक्लूड हो गए हैं तो वो हमें कवर करने थे। यहाँ तक हमारा पार्ट कवर हो चुका है, अब हम अगले पार्ट पर आते हैं, दैट इज अबाउट रोटेशनल डायनामिक्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन को समझने के लिए पहले तो हम ये समझेंगे कि रोटेशन मोशन करता कौन है, ये क्या है, किस टाइप का मोशन है। तो पहले तो कुछ बेसिक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास एक छोटा सा पार्टिकल है और वो पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर मूव हो रहा है। तो जब वो स्ट्रेट लाइन पर मूव हो रहा है तो ऐसे मोशन को हम कहेंगे कि पार्टिकल रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है। ध्यान से सुनिए, पार्टिकल है और पार्टिकल कौन सा मोशन कर रहा है, रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है। अब अगर मान लीजिए एक बड़ी सी बॉडी कंसिडर कर लेते हैं, बॉडी या जिसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स भी कहते हैं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मतलब जिसके अंदर एक से ज़्यादा पार्टिकल्स मौजूद हों, उसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कहा जाता है। नॉर्मली कोई भी चीज़ जो बनती है वो सिंगल पार्टिकल की तो होती नहीं है, इसका मतलब उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर मैं एक बड़ी सी बॉडी कंसिडर करता हूँ, उसके अंदर दो पार्टिकल्स लेता हूँ और फिर अगर ये बॉडी मूव करे और उसके पार्टिकल्स बिल्कुल मोशन के दौरान एक दूसरे से बिल्कुल पैरेलल मूव करें, बिल्कुल पैरेलल मूव करें, तो ऐसे टाइम पर हम उसे रेक्टिलिनियर नहीं कहते हैं, हम उसे कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। तो बात ये समझ में आई कि अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट ट्रेवल करता है तो हम उसको बोलते हैं कि वो रेक्टिलिनियर मोशन करता है, लेकिन अगर कोई बॉडी स्ट्रेट ट्रेवल कर रही है तो उसे रेक्टिलिनियर नहीं बल्कि उसको हम ट्रांसलेशन मोशन कहते हैं। ओके, अब आते हैं दूसरी बात पे। अब हमने जो इससे पहले वाला पार्ट पढ़ा, दैट वॉज अबाउट सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में हमने क्या पढ़ा था, द मोशन ऑफ द पार्टिकल। ओके, सो सर्कुलर मोशन इज द मोशन ऑफ द पार्टिकल। तो अगर कोई पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल मूव हो रहा है, तो अगर वो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के अलोंग मूव होता है तो ऐसे टाइम पर हम कहते हैं कि वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। आई बात समझ में? तो हमें याद ये रखना है कि जैसे रेक्टिलिनियर मोशन एक पार्टिकल का होता है, वैसे ही अगर वो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल पर पार्टिकल चलने लग जाए तो उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। दूसरा ये कि अगर मान लीजिए ये हमारी बॉडी है, हमने एक बॉडी कंसिडर किया और बॉडी कंसिडर करने के बाद हमने उसको घुमाया या मूव किया और ऐसे मूव किया कि उसका हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा हो, आई रिपीट, उसका हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा हो, तो हम कहेंगे कि बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है। तो जैसे हमने देखा था कि रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेशन में फ़र्क है, रेक्टिलिनियर एक पार्टिकल का मोशन है और ट्रांसलेशन एक बॉडी का मोशन है, उसी तरीके से सर्कुलर मोशन एक पार्टिकल का मोशन है और रोटेशनल मोशन जो है वो एक बॉडी का मोशन होता है या फिर जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो अक्सर स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन होता है कि रोटेशन और सर्कुलर दोनों एक ही टाइप के मोशन है। आपको बस एक बुनियादी चीज़ याद रखनी है कि एक जो सर्कुलर मोशन है वो पार्टिकल से रिलेवेंट होता है और बॉडी से जो रिलेवेंट मोशन होता है उसे हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन टॉपिक को जब हम स्टडी करेंगे तो हम एक एग्जांपल के थ्रू सोच लेते हैं उसको। कंसीडर द बेस्ट एग्जांपल जो हमारे घर में है और अभी गर्मी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, एक सीलिंग फ़ैन की, एक टेबल फ़ैन की। अगर हम फैन की ब्लेड्स के ऊपर दो पॉइंट कंसीडर कर लें, सपोज दिस आर द टू पॉइंट्स ऑन द ब्लेड्स, और फिर अगर इसे हम घुमाते हैं, फ़ैन को घुमाते हैं, तो हम ये जानते हैं कि दोनों के दोनों पार्टिकल हमको सर्कुलर मोशन करते हुए नज़र आएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि फ़ैन जो है वो कौन सा रोटेशन कर रहा है, कौन सा मोशन कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है। अब रोटेशन मोशन के अंदर अगर हम कहेंगे वो प्योरली रोटेशन मोशन कर रहा है, तो कुछ बेसिक बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी है। पहली बात क्या याद रखनी है कि हर पार्टिकल रोटेशनल मोशन के अंदर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। ओके, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हुए तो उसका सेंटर क्या होगा। तो जितने भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं उसका सेंटर, सबका सेंटर आप कह सकते हैं सेम होगा। और इस सेंटर से अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें, एक ऐसी लाइन जो इससे बाहर निकलती हुई
या फिर इसके अंदर जाती हुई अगर ड्रॉ करें, तो हम ये कह सकते हैं कि सारे के सारे पार्टिकल का जो सेंटर होगा वो इस लाइन के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड होगा। इस लाइन को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये वो लाइन है जिसके इर्द गिर्द सारे पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। तो ये दूसरी वहाँ पर अहम चीज़ है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो रोटेशनल मोशन में काम आती है। तीसरी बात ये है कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो हम एक बात अच्छे से जानते हैं, उसके अंदर दो टाइप की वेलोसिटी होती है, एक लीनियर और एक एंगुलर। तो अगर ये पार्टिकल, मान लो ये पार्टिकल नंबर वन और ये पार्टिकल नंबर टू, पार्टिकल नंबर वन और पार्टिकल नंबर टू दोनों भी सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, पार्टिकल नंबर वन का सर्कल छोटा है, एंगुलर वाले का जो है वो बड़ा है, तो इस केस के अंदर इसकी वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी और इसकी लीनियर वेलोसिटी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी और इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या सेम और डिफरेंट होगी। तो आपको बस एक बात याद रखनी है, देखिए दोनों पार्टिकल को हमेशा सेम टाइम पर घूम घूम के आना है, एक साथ ही रहना है। ये तभी पॉसिबल होगा जब इसकी और इसकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, बट लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होगी। लीनियर इसलिए डिफरेंट होगी क्योंकि इसको तो छोटा सर्कल ट्रेस करना है, इसकी चलने वाली रफ्तार कम होगी क्योंकि उसका चलने वाला डिस्प्लेसमेंट कम है और इसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है। तो दोनों की लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होगी बट एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। तो ये तीसरी कंडीशन है। तो प्योर रोटेशन मोशन में हमेशा ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करने वाले पार्टिकल का जो सेंटर है वो एक स्पेशल लाइन के ऊपर आएगा, उस लाइन को एक्सिस ऑफ रोटेशन कहा जाता है, और उन सारे पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी बट लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होगी। ओके, अब कुछ ऐसी चीज़ें जो हमने लास्ट ईयर भी पढ़ी है और अब जब सर्कुलर मोशन पढ़ते आ रहे थे तो उसके अंदर भी हमने उसको कवर किया था। पहले लेक्चर के अंदर आप देख सकते हैं मैंने लीनियर और एंगुलर को बाइफरकेट करके बताया था, एक उसका क्विक रिवीजन ले लेते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट हमने देखा था अभी तक दो टाइप के हो गए, एक लीनियर चलने वाला और एक एंगुलर घूमने वाला। लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम जानते हैं, अगर एक पार्टिकल एक पर्टिकुलर पोजीशन पर है और वहाँ से डिस्प्लेस होके वो एक जगह से चला गया तो उसके बीच का जो स्ट्रेट लेंथ होता है, डायरेक्ट लेंथ, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो भी डायरेक्ट सेगमेंट लाइन सेगमेंट बनेगा दैट इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे चलने वाला डिस्प्लेसमेंट होता है उसी तरीके से अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा हो तो सर्कुलर मोशन में वो यहाँ से लेके यहाँ तक घूमता भी है तो वो कितना घूमा वो इस एंगल से कैलकुलेट किया जाता है जिसे हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। ओके, सेकेंड चीज़ होती है चलने वाली रफ्तार। अगर उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना फास्ट हुआ, कितना स्लो हुआ, वो कितना फास्ट चला, ये कैसे पता लगाएंगे, तो हम एक क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं जिसे कहते हैं लीनियर वेलोसिटी। उसी तरीके से हमने यहाँ देखा था कि अगर कोई पार्टिकल घूम रहा है तो कितना तेज़ घूम रहा है ये पता लगाने के लिए हम उसकी क्या कैलकुलेट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। तीसरी चीज़ लीनियर एक्सेलरेशन, उसकी वेलोसिटी का रेट कितना फास्ट चेंज हो रहा है, कितनी जल्दी तेज़ी से वो अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, अगर ये पता लगाना है तो उसके लिए हम लीनियर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेना रहता है। उसी तरीके से उसका एंगुलर एक्सेलरेशन अगर हमें पता लगाना है तो हम ये क्या करते हैं, उसके अंदर हम ये देखते हैं कि उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी वो किस रेट में चेंज हो रही है, कितनी फास्ट चेंज हो रही है, ये कैलकुलेट करने के लिए हम उसका एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं अल्फा, दैट इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डीटी। मैं इसमें थोड़ा रैपिड इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस स्टैंडर्ड्स के अंदर, और अभी लेटेस्ट जो हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा था उसमें भी ये टॉपिक हमने कवर किया था। नाउ अगर हम इसके डायनेमिक्स की बात करें तो वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है, अगर चलने वाली रफ्तार उसकी चेंज हो रही है, तो हम कहते हैं उसमें एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या चाहिए रहती है, फोर्स, बिकॉज फोर्स इज द ओनली थिंग विच कॉजेज एक्सेलरेशन। तो जिस तरीके से फोर्स किसी बॉडी को चलाता है, मूव कराता है, उसी तरीके से अगर किसी बॉडी को हमें घुमाना है, मूव करना है, अगर उसको घुमाना है, तो अगर उसको घुमाना है तो हमें उसके लिए क्या लगता है, एक घुमाने वाला फोर्स, और उस घुमाने वाले फोर्स को हम कहते हैं टॉर्क। तो ये बात याद रखना है कि एक चलाने वाला फोर्स होता है जिसे लीनियर फोर्स कहा जाता है, और एक घुमाने वाला फोर्स होता है जिसे हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो इससे हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स के अंदर स्टडी कर ली है। और क्या चीज़ें हम जानते हैं वो भी देख लीजिए। फोर्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, फोर्स को कैलकुलेट करने का थियोरेटिकल फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर लीनियर मोमेंटम, अगर लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर।
अब इन तीनों फॉर्मूले में आप ध्यान से देखिए, फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं मास इंटू वेलोसिटी है, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स का फॉर्मूला है, लीनियर मोमेंटम का मास इंटू वेलोसिटी है, और काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर है। बिल्कुल ऐसी चीज़ हमें एंगुलर क्वांटिटीज में भी देखनी पड़ेंगी। जैसे ये चलने वाला फोर्स है, ये घुमाने वाला फोर्स है, तो घुमाने वाला फोर्स टॉर्क होगा। जैसे लीनियर मोमेंटम है वैसे एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम जो है वो एल होगा। जैसे ये काइनेटिक एनर्जी वैसे ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब सवाल ये उठता है कि इन तीनों फॉर्मूलेस को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें भी मास कंसिडर हो रहा है, इसमें भी मास कंसिडर हो रहा है, इसमें भी मास कंसिडर कर रहे हैं। तो ये तीनों फॉर्मूले में मास एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैलकुलेशन में। तो हमें ये सोचना है कि अगर इसके अंदर हम मास को कंसिडर करते हैं तो क्या टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के लिए मास को कंसिडर करना होगा, या सिर्फ मास से ही सारा काम हो जाएगा, या और भी कुछ क्वांटिटी चाहिए रोटेशनल डायनेमिक्स के अंदर या रोटेशनल मोशन के अंदर टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। ओके, तो ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही हमारे चैप्टर का फर्दर पार्ट है। हमें क्या एनालाइज करना है, हमें ये सोचना है कि अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन करती है और अगर हमें उसके लिए फॉर्मूलेस चाहिए, तो अगर हमें फोर्स का फॉर्मूला जो टॉर्क का फॉर्मूला चाहिए तो उसमें क्या मास को ही कंसिडर करके वैल्यू आएगा या कुछ और भी चीज़ चाहिए। अगर हमें एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो क्या मास से आ जाएगा या फिर मास के साथ और भी कोई चीज़ ऐसी होगी जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगी। तो आपको एक बात बता दूँ, बहुत एक सिंपल कंसिडरेशन, कि सिर्फ मास से ही नहीं बल्कि एक क्वांटिटी और भी चाहिए रहती है रोटेशनल मोशन के अंदर, और वो रहता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका डिस्टेंस। क्योंकि सिर्फ मास से ही सारा काम नहीं बनेगा, बल्कि ये भी पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पर आप फोर्स लगा रहे हैं वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पर है। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आज आप खुद घर पे कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको एक सिंपल केस बताता हूँ। दरवाजे को अगर हम खोलते हैं तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर यहाँ पर दरवाजे जो है हिंजेस से लगा हुआ है तो हैंडल हमेशा जो है वो इस एंड पर लगे होते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर फोर्स लगाते हैं घुमाने वाला, इससे दरवाज़ा खोल देते हैं, आज आप कोशिश कीजिए कि बिल्कुल हिंजेस के नज़दीक यहाँ पर जहाँ पर वो दरवाज़ा लगा हुआ है यहाँ पर फोर्स अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, यहाँ से दरवाजे को खोलने की कोशिश कीजिए। आप ट्राई करके देखिए, आपको पता चलेगा कि जितना फोर्स आप यहाँ लगा रहे थे उससे कई गुना फोर्स आपको यहाँ लगाना पड़ेगा, तब भी जल्दी दरवाज़ा नहीं खुलेगा। इससे ये बात समझ में आई कि जब भी किसी बॉडी को अगर हमें घुमाना होता है तो सिर्फ फोर्स काफ़ी नहीं होता, बल्कि ये भी ज़रूरी होता है कि जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पर अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपका एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से नज़दीक होगा तो आपको ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा, और अगर वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर होगा तो एक हल्के फोर्स से भी आप उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। इसी वजह से हमारा जो आगे का टॉपिक होगा वो ये सोचना होगा कि भाई मास की जगह पर यहाँ पर ऐसी कौन सी क्वांटिटी जो है वो लेनी पड़ेगी जिससे हम ये सारे कैलकुलेशन कर सकें। और उसको समझने के लिए एक बहुत बेहतरीन डेरिवेशन हमारे पास बुक में अवेलेबल है, और उसी डेरिवेशन से हम उस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि मास की जगह पर यहाँ पर कौन सी क्वांटिटी यूज़ होती है। देखते हैं आगे के किस तरीके से हम उस क्वांटिटी को पता लगाते हैं। ओके?